हाथरस। जब दरोगा ने तहसीलदार को गाली देते हुए खोली पोल, वीडियो हुआ वायरल। मुरसान ब्लॉक के एक गांव में जमीनी विवाद की शिकायत पर जब पुलिस गांव में पहुंची तो एक पक्ष ने दरोगा को बताया कि तहसीलदार ने हमको लिखित आदेश भी दिया था, लेकिन तहसीलदार साहब ने ऑल करवाने के बावजूद भी रास्ता नहीं निकलवाया, लेकिन दूसरा पक्ष खेत से होकर राजस्थान नहीं निकलने देना चाहता है। इस गांव में दोनों पक्षों में कोई झगड़ा न हो जाए, इस आशय को लेकर थाना मुरसान क्षेत्र के एक दरोगा भी पहुंचे थे। एक वीडियो भी यहां का वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा तहसीलदार को गाली देते हुए दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, दरोगा द्वारा तहसीलदार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार से 1,00,000 रुपए महीने की सैलरी तहसीलदार किस बात की लेता है, तभी क्यों नहीं यहां से रास्ता निकलवाया। अब यहां किसान की फसल है, रास्ता कैसे निकलवाया जाए, दोनों पक्षों में झगड़ा हो जाएगा। वायरल हो रहे वीडियो में थाना मुरसान के दरोगा ने मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि हमको तो जमीन का पता नहीं है, पता तो लेखपालों तहसीलदार को होगा, लेकिन तहसीलदार 1,00,000 रुपए महीना किस बात के लेता है झगड़ा कराने के। अगर लोग यहाँ गांव में आपस में लड़कर मर जाएंगे तो फिर क्या होगा। तहसीलदार ने जब निशान लगाया था चक्रोड़ क्यों नहीं डलवाया था, आज फसल में कौन डाल देने चक्रोड़ को, तनखा इस बात के लिए था चल रही मर जाएगा आपस में नफत भैया। हाँ भाई नफत भैया था, उसको चक्रोड़ निकलवाया क्यों नहीं, नफत भैया। सोचा खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए बेल आइकन को जरूर।